नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कल शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम आवास पर जाकर मुलाकात किए। मुलाकात के बाद बाहर आने पर जीतन राम मांझी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। लोकसभा में हम पार्टी 5 सीट की मांग कर रही है। इस सवाल पर मांझी ने कहा कि 1 सीट मिलेगा कि 4, यह तो महागठबंधन के सभी दलों के बैठक में तय होगा, या फिर 1 सीट मिले या ना मिले और राज्यसभा सीट मिल जाए तो यह बाद में तय होना है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, देखिए इस वीडियो में। सभी विधायकों का एक ये था, अनुरोध था कि क्षेत्र में पदाधिकारी थोड़ा अनिच्छुक होते हैं काम में, या जो काम हम दिया है वो नहीं होता है, तो हम पर आरोप था सभी विधायकों का। और लोग का कहना था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री से सम्मिलित मिलवा दीजिए, तो वही हम मिलवाने के लिए गए थे। सब लोग अपनी अपनी समस्या के बारे में बातचीत किए कि भाई हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये है। हमने भी बात किया, हमने भी नई गाड़ी के बारे में 3 बार बात हुई थी। उन्होंने कहा था देंगे, आज कहा गया कि नई गाड़ी आ रही है तुरंत आपको मिलेगा। ताड़ी के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया कि ताड़ी से गरीबों का ये हो रहा है, उसको ज़रा आप देखिए। सभी लोगों ने हामी भर के उनको कहा कि सब चीज़ ठीक है आपका, लेकिन ताड़ी के बारे में थोड़ा सा रहम करवाइए कि गरीब तबके के लोग जो इसमें ना हो। तो राजनीतिक बात कहिए चाहे सामाजिक बात कहिए, यही हुई, इसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन आप जो मांग करते रहे हैं 5 सीटों की मांग या फिर जिले की बात, नहीं कोई कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं है। और 5 सीट हम नहीं मांग करते हैं, ये आप लोगों की बात है। हम लोग ने तो यही कहा है कि हम लोग एक बार बैठेंगे, बैठ करके तय करेंगे कि किसको कितना सीट जाना चाहिए। उसमें 1 सीट भी हो सकता है, न भी हो सकता है, 4 सीट भी हो सकता है, तो राज्यसभा भी हो सकता है, काउंसिल भी हो सकता है। तो ये सब आप लोगों को नने कहेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग अपना स्पेकुलेशन से बात बोल देते हैं जो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। सब कुछ ठीक ठाक है, एकदम ठीक है। हम लोग सब नीतीश जी के साथ हैं, इसमें कहीं कोई